नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में कोई ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के बेहतरीन मौके बनने वाले हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें जिस नंबर पर आपको कॉल करना है। हमारा नंबर है 02-2300-1634। साथ ही आप 02-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि आज बाजार में जो एक्शन रहा है वो किस तरह का रहा है, और शुरुआत करते हैं एग्री मार्केट से, क्योंकि एग्री वायदा में आज जोरदार गिरावट रही है। जीरा वायदा 2% की तेज गिरावट के साथ बंद हुआ है। हल्दी और धनिया वायदा में करीब 0.25% की कमजोरी रही है। ग्वार सीड ग्वार गम का वायदा करीब 1.5% टूटा है। चने में 1% से ज़्यादा की कमजोरी है। कैस्टर में भी आज गिरावट का रुख यहां पर दिखा है कल की तेजी के बाद। और ये एग्री मार्केट में जो आज गिरावट देख रहे हैं आप, इसके पीछे कुछ अलग अलग कमोडिटी की अलग अलग फंडामेंटल वजह तो होगी, लेकिन एक जो बड़ी वजह है वो है मानसून में रिवाइवल के संकेत। और ये बात IMD की तरफ से कही गई है कि अब आगे मानसून की चाल बेहतर होगी। जो अब तक मानसून की कमी हमने देखी है वो कमी अब यहाँ पर कम हो जाएगी। बुधवार को सामान्य के मुकाबले 42% ज़्यादा बारिश हुई है, और IMD ने कहा है कि अगले कुछ दिनों में बारिश की जो कमी है वो ख़त्म हो जाएगी और अगस्त अंत तक पूरी डेफिसिट खत्म हो जाएगी। यानी अगस्त के आखिर तक जितनी भी कमी हमने मानसून में देखी है वो सब पूरी हो जाएगी। और इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि खरीफ की बुआई में भी रिकवरी यहाँ पर देखने को मिली है। इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ चार खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं सुनंद सुब्रमण्यम है, चॉइस ब्रोकिंग के। हमारे साथ मानसून पर बातचीत करने के लिए GP शर्मा साहब हैं, एस्काइमेट के साइंटिस्ट हैं। हमारे साथ हिमांशु गुप्ता हैं, फ्यूचर मार्केट का व्यू देने के लिए ग्लोब कैपिटल के। और साथ ही जतिन त्रिवेदी हैं, बोनांजा पोर्टफोलियो के। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले GP शर्मा जी आपसे जानना चाहता हूं कि IMD ने कहा है कि अगस्त के अंत तक मानसून की पूरी डेफिसिट खत्म हो जाएगी, यानी जो कमी हम देख पा रहे हैं बारिश में वो कमी पूरी हो जाएगी अगस्त के अंत तक आते आते। स्काईमेट इससे एग्री करता है? देखिए मृत्युंजय जी, हमने भी जो पहले हमने फोरकास्ट दिया हुआ था उसमें हमने भी अगस्त सितंबर में बेटर प्रोस्पेक्ट से ही दिए हुए हैं। दोनों महीनों का हमने नॉर्मल ही रेनफॉल दिया हुआ है, एक में 102%, एक में 99%। कहने का मतलब है लगभग सामान्य दोनों महीनों में। अगर आप जैसे अभी आज फोरकास्ट जो दिया है कि सेकेंड हाफ में मानसून की लगभग 100% वर्षा होगी जी, अगर उसको लेके चले आज के दिन में 9% की कमी है। और अगर सेकेंड हाफ में 100% मतलब नॉर्मल वर्षा होती है, कहने का मतलब है कि जो कमी है लगभग 9% की अभी वो शायद पूरी ना हो पाए। सीधा सीधा मतलब है, क्योंकि अगला सेकेंड हाफ अगर जो है नॉर्मल होने वाला है 100%, तो जो कमी है वो तो नहीं पूरी हो सकती। अच्छा, अगर 109% हो जाए तो? हाँ जी, अगर 109% सेकेंड हाफ में बारिश हो जाए तब तो पूरी हो जाएगी ना। हाँ, ऑब्वियसली, क्योंकि आज के दिन में हमारी 42 मिलीमीटर वर्षा कम है। और आज का आप रेनफॉल देखेंगे तो पहले दिन लगभग पिछला जो सप्ताह रहा है जुलाई का बहुत एक्टिव रहा है, बहुत अच्छा मानसून रहा है, जिसके कारण देश के विशेषकर मध्यवर्ती भागों में, उत्तरी भागों में तो मानसून का डेफिसिट काफी कम हो गया, क्योंकि 20-20% तक चल रहा था जो मध्यवर्ती भाग में, उसमें तो केवल 4% रह गया, क्योंकि अच्छी वर्षा हुई है। अच्छा। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ अच्छी वर्षा हुई है, और उत्तर भारत में भी, उत्तर प्रदेश में भी ठीक ठीक है, पंजाब में ठीक वर्षा हुई है, उसके कारण राजस्थान के कारण भी 8% का डेफिसिट है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि देखिए मानसून की चाल लगातार एक साथ ऐसी अच्छी नहीं रहती। अगले 4 दिन ही आप देखेंगे मानसून का जो रेनफॉल आएगा नॉर्मल या नॉर्मल से कम ही आएगा, बढ़ेगा नहीं। बढ़ेगा दोबारा 6 तारीख से, क्योंकि एक सिस्टम अच्छा वाला बन रहा है। तो ऐसी तरह एक सप्ताह के करीब जो मानसून की चाल है थोड़ी सी धीमी रहेगी, नॉर्मल या नॉर्मल से कम रहेगी, डेफिसिट घटेगा नहीं। आप देखना ये 9% हाँ। ही रहेगा। अच्छा, आप IMD से एग्री नहीं करते हैं? आप कह रहे हैं कि डेफिसिट कम नहीं होगा,
तो मैं अफसर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि देश के कौन कौन से ऐसे इलाके होंगे, मतलब चूंकि अगस्त का पहला दिन है आज, तो अगले 10 से 15 दिनों में कौन कौन से ऐसे क्षेत्र होंगे जहां पर अच्छी बारिश आप देख रहे हैं, और कौन कौन से ऐसे इलाके होंगे जहां पर कम बारिश देख रहे हैं? जी, सबसे पहले तो चंद्र जी, आपने जो कहा कि मैं डिसएग्री करता हूँ आईएमडी से, मैंने सिर्फ उनकी फोरकास्ट पढ़ रहा हूँ कि अगर दूसरा हाफ 100% लेके चले तो 100% का मतलब तो कतई ये नहीं हुआ ना कि जो डेफिशिएंसी 9% है वो कवर हो जाएगी। नहीं, लेकिन मैं तो आपका व्यू पूछा था सर, आप तो एस्टीमेट के हैं ना, मैं एस्टीमेट का व्यू जानना चाहता हूँ, आपके हिसाब से डेफिसिट खत्म होगा नहीं होगा? मेरे ख्याल से तो नहीं होगा। हाँ, वही इसका मतलब आप एग्री नहीं कर रहे हैं? जी जी, मैं वही तो बात है। हाँ हाँ, नहीं मैं कह रहा हूँ आईएमडी भी एग्री नहीं कर रहा, क्योंकि उन्होंने 100% अगर दिया है दूसरे हाफ का, तो उसके कहने का सीधा सीधा मतलब यही है कि 100% मतलब जो अगस्त और सितंबर नॉर्मल रहेगा 100% रहेगा, जितनी कमी है वो शायद रहेगी। एनीवे, आपने अगर पूछा कि किन किन क्षेत्रों में अच्छी वर्षा होगी, मैं आपको बताऊं दक्षिणी भारत को छोड़ के, जिसमें कि तमिलनाडु, कर्नाटक के भीतरी भाग, केरल और उसके साथ साथ इवन आंध्र प्रदेश के भी रायलसीमा क्षेत्र, इन क्षेत्रों में वर्षा अच्छी नहीं होगी। देश के मध्यवर्ती भागों में और उत्तरी भागों में हम अच्छी वर्षा कम से कम पहले जो 12-13 दिन जो अगस्त के होंगे इनमें अच्छी वर्षा होगी, पहले 3-4 दिन छोड़ के, विशेषकर जो ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इवन जो राजस्थान और गुजरात तक भी, पंजाब हरियाणा समेत इन क्षेत्रों में, ठीक है, अलग अलग समय पर अच्छी वर्षा की उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आपका जीपी शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। अब सुनंद सुब्रमण्यम जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मानसून की चाल आगे बेहतर बताई जा रही है, तो ऐसे में क्या एग्री मार्केट की जो आज की ये गिरावट है ये अभी कंटिन्यू रहने वाली है? हेलो, बेशक मेरे हिसाब से तो ये आगे भी कंटिन्यू रहने की संभावना ज्यादा लगता है। हर जगह पे काफी सोइंग हो चुकी है, बुआई तो हो गई है सभी जगहों पे, जैसे अगर आप गुजरात की बात ले तो 90% कॉटन की सोइंग हो चुकी है। अभी आने वाले दिनों में जो बारिश होगी ना उससे प्राप्ति ज्यादा बढ़ेगी उन इलाकों जहाँ पे अच्छी सोइंग हो रही है, जैसे की राजकोट इलाकों पे, कच्छ इलाकों पे। अगर आप गुजरात के अलावा दूसरे और स्टेट की बात करोगे तो मध्य प्रदेश में जो सोयाबीन का सोइंग हो रहा है, वेस्टर्न मध्य प्रदेश में, वहां पे तो सोइंग की भी वहां पे ज्यादा अनुमान लगाया जा रहा है और वहां पे भी प्राप्ति बढ़ने की उम्मीद ज्यादा है। महाराष्ट्र के जो ड्रॉट रीजन है, मराठवाड़ा रीजन जहाँ पे सबसे कम पानी का पहले परेशानी थी, वहां पे भी बढ़ने की संभावना अच्छा है। अगर आप दूसरे और कमोडिटीज के लोगे तो कैस्टर सीड जो अभी सोइंग अभी जस्ट चालू हुआ है, मेरे हिसाब से ये सीजन में कैस्टर सीड का सोइंग भी बढ़ने का संभावना है। अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सुनंद इस पूरे अपडेट के लिए। अब हिमांशु आप ये बताएं कि इन्होंने तो ओवरऑल बताया, लेकिन आप ये बताएं कि कल जब मार्केट ओपन होगा एग्री का तो कहां कहां पर बिकवाली और कहां पर खरीदारी का मौका देखना चाहिए? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी, बिल्कुल देखिए क्लियरली मॉनसून में रिकवरी के चलते आज यहाँ पर एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, और हमने स्पेसिफिकली जैसे ग्वार कॉम्प्लेक्स में पिछले एक दो ट्रेडिंग सेशन में जो रिकवरी देखने को मिली थी वहाँ पर हमने एक अच्छा सेलिंग प्रेशर देखा। तो मुझे लगता है यहाँ पर एक ग्वार कॉम्प्लेक्स में, ग्वार गम में सेलिंग की पोजिशन कल भी बनाई जा सकती है। मेरा मानना है 4,210-4,200 तक के लेवल्स ग्वार सीड के लिए, 8,400 का इमीडिएट सपोर्ट ग्वार गम में है, अगर इसके नीचे प्राइसेस निकलते हैं तो 8,300 का सपोर्ट दोबारा टेस्ट हो सकता है, तो इन दोनों कमोडिटीज़ में सेलिंग की सलाह रहेगी। जीरा में 17,200-250 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन बना हुआ है, अगर प्राइसेस इसके नीचे कल 17,200 के आसपास के नीचे स्लिप करते हैं तो यहाँ पर भी मुझे लगता है कि 17,000 के नीचे के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ पर भी बिकवाली करके चला जा सकता है। साथ ही साथ धनिया एक कमजोर कमोडिटी काफी टाइम से रही है, तो यहाँ पर भी 6,450-6,500 की रेंज में बिकवाली की ही सलाह रहेगी, आने वाले दिनों में 6,300 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। आपकी टॉपिक एग्री में कल क्या होगी जतिन? एग्री मार्केट हम देख रहे हैं कि चने के अंदर एक खासी अहमती गिरावट चल रही है उसके अंदर, तो यहाँ पे जो सस्टेनेबल रैली जो है वो दिख रही है चने के अंदर, कि जहाँ पे सेलिंग प्रेशर बना हुआ है, तो यहाँ पे पिक जो रहेगा मॉर्निंग में अगर किसी को ट्रेड लेना है एग्री में तो चने के अंदर सेलिंग की एडवाइस रहेगी। 42-50-55 के आसपास जोन जब मिलते हैं कल तो डेफिनेटली सेल करके चलना चाहिए, 43 के स्टॉप लॉस के साथ, 4300 के स्टॉप लॉस के साथ, और नीचे हमें लग रहा है 100 पॉइंट की गिरावट और देखने मिल सकती है चने के अंदर। ठीक है, तो
ये हमने आपको ये बताया कि खबर क्या है एग्री को लेकर। खबर यह है कि मानसून में आगे बढ़ोतरी की बात की जा रही है और कुछ और फंडामेंटल वजहों से, कुछ और दूसरी वजहों से एग्री मार्केट गिरा हुआ है। कल का मार्केट क्या होगा ये हमारे एक्सपर्ट ने आपको बताया, लेकिन अब वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे नॉन एग्री सेगमेंट में, खास करके बुलियन में, क्रूड में और मेटल में क्यों गिरावट आई है और क्या ये गिरावट आपके लिए बाइंग का एक बेहतर मौका है, और साथ ही आपके सवाल होंगे और हमारे दोनों एक्सपर्ट के जवाब होंगे। छोटा सा ब्रेक, तुरंत ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है। और अब बात बुलियन मार्केट की, जहां पर दबाव का माहौल है, तो हिमांशु ये बताएं कि आज शाम के कारोबार के लिए गोल्ड में और सिल्वर में क्या ट्रेड आप देख रहे हैं, क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए कल हालांकि इंटरेस्ट रेट कट करने के बाद फेडरल रिजर्व के द्वारा यहां पर गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है आज के सेशन में। हमें लगता है कि बाजार थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ है जिस तरह से जो टोन निकल कर आई फेड की तरफ से, जिन्होंने ये क्लियर कट ये मेंशन किया कि ये नए इंटरेस्ट रेट कट्स का यहाँ पर सीक्वेंस नहीं है, जबकि ये सिर्फ एक टेम्पररी एक सपोर्ट है इकोनॉमी के लिए। शायद कहीं ना कहीं इससे जो गोल्ड और सिल्वर के जो ट्रेडर्स या बुल्स थे वो डिसअपॉइंट हुए और यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। साथ ही साथ डॉलर इंडेक्स में भी एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। जहां तक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की बात है, मुझे लगता है यहाँ पर शॉर्ट टर्म में थोड़ा और दबाव देखने को मिल सकता है। इंटरनेशनल मार्केट्स में हमारा मानना है कि 1380 डॉलर तक यहाँ पर गोल्ड के प्राइसेस स्लिप कर सकते हैं। अगर आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की बात की जाए तो अक्टूबर मंथ गोल्ड वायदा में यहाँ पर 35,200 के लेवल्स पे शॉर्ट पोजीशन बनाने की सलाह रहेगी। हमारा मानना है कि 34,900 तक के लेवल्स 1-2 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं। 35,300 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। अगर साथ ही साथ सिल्वर की अगर बात की जाए तो सिल्वर में भी यहाँ पर एक गिरावट देखने को आज मिली है। इमीडिएट शॉर्ट टर्म आज और कल के ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर गिरावट और बढ़ सकती है। 40,200-39,800 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ पर भी बिकवाली की सलाह रहेगी 40,700 के आसपास। बट पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए सिल्वर में यहाँ पर कोई डिक्लाइन अगर 39,800 के आसपास मिलती है तो लंबी अवधि के ट्रेडर्स के लिए खरीदारी का बहुत अच्छा मौका रहेगा। ठीक है, चलिए अब सवाल आने शुरू हुए हैं। पहला सवाल है पम्मी जैन का पंजाब से, पूछिए। हेलो सर, चांदी मैंने 40,300 से 5 लाख सेल किए हैं और निकल के 1,000 में 5 लाख सिल्वर और निकल आपका शॉर्ट है, जितने ठीक ट्रेड है इनका। आई थिंक निकल के अंदर शॉर्ट में नहीं रहना चाहिए फिलहाल, जो डेवलपमेंट चल रहे हैं बेस मेटल्स के अंदर उठा पटक है, लेकिन निकल जो है प्राइसेस होल्ड कर रहा है। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करने बोलूंगा, 1010 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अगर प्राइसेस उसके ऊपर निकल जाते हैं डेफिनेटली 1020-30 के लेवल्स दिखाएंगे। हो सकता है अगर नीचे का ट्रेड मिल जाए तो 990-995 के पास शॉर्ट कवर भी कर लेना चाहिए निकल के अंदर। और जहां तक सिल्वर की बात है, सिल्वर में हमारा जो लेवल इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो ब्रीच आउट का है, वो है अराउंड 40,550 के ऊपर। 4550 के ऊपर अगर सिल्वर के प्राइसेस निकल जाएंगे ऊपर तो डेफिनेटली एक वापस एक छोटी सी पुलबैक देखने मिल सकती है आज शाम के सेशन में। जब तक 550 के नीचे है तब तक शॉर्ट में बने रह सकते हैं, नीचे में 40,000 के लेवल्स के आसपास शॉर्ट कवर कर लीजिएगा, लेकिन 550 के ऊपर फिर से बताऊंगा एक शॉर्ट कवरिंग रैली वापस से देखने मिल सकती है। ठीक है, अशोक कुमार है हमारे साथ गंगानगर से, पूछिए अशोक जी। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। 6,000 तक ग्वार का रेट 4,600 रुपए कब आएगा? 4,600 रुपए तक, अच्छा 4,255 आज का क्लोजिंग प्राइस है। हिमांशु, है क्या निकट भविष्य में 4,600 रुपए तक आने की कोई संभावना ग्वार की? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से अब फंडामेंटल्स बदल रहे हैं, जिस तरह से जो न्यूज फ्लो है, मुझे लगता है यहाँ पर शॉर्ट टर्म में थोड़ा दबाव तो जरूर देखने को मिल सकता है और नीचे में 4,120-4,100 तक भी प्राइसेस स्लिप कर सकते हैं। अगर आगे चल के वापस से पॉजिटिव न्यूज फ्लो कमोडिटीज इस कमोडिटी के लिए देखने को मिलता है, एक्सपोर्ट डिमांड देखने को मिलती है और 4,400 रुपए के ऊपर एक क्लोजिंग बेसिस पर कमोडिटी कामयाब होती है देने में, तब मुझे लगता है कि यहाँ पर 4,650 तक के भाव जरूर आने वाले 2-3 महीने में देखने को मिल सकते हैं। ओके ठीक है, तो ये रहा
आप दे रहे हैं ग्वार के ऊपर कि ग्वार का क्या लेवल आगे रहेगा। ठीक है, नेचुरल गैस में क्या ट्रेड अभी देख रहे हैं आप जतिन? नेचुरल गैस हम देख रहे हैं मिथुन जी की एक स्ट्रांग रैली जो कल के सत्र में हमें देखने मिली है नेचुरल गैस के प्राइसेस के अंदर, जहाँ पे 150 के लेवल्स जो उसने ब्रीच आउट करने के बाद एक स्ट्रांग रैली दिखाई 157 तक, और आज भी 157 से लेके एक प्राइसेस जो है वो होल्ड करते आ रहा है और अभी हाल फिलहाल 159 के ऊपर आ गए हैं। जैसे हम बात कर रहे थे उसी बीच में ही एक बड़ा स्पाइक उसके अंदर वापस से देखने मिल रहा है, तो हमें लगता है 162-163 के लेवल्स जो है वो फिर से एक बार टच करने के लिए जा सकता है। नीचे में जो सपोर्ट रहेगा 155 का है, सो बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी यहाँ पे बना सकते हैं नेचुरल गैस प्राइसेस के अंदर। 158 के लेवल्स के आसपास फिर से मिलता है, वहाँ पे एंट्री कीजिए, एक शॉर्ट टर्म रैली जो है वो एक्सपेक्टेड है नेचुरल गैस के प्राइसेस में। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म रैली आप कह रहे हैं कि यहाँ पर एक्सपेक्टेड है, 2.5% ऊपर है नेचुरल गैस, 159 के ऊपर इस वक्त एनजी में ट्रेड हो रहा है। उमेश है हमारे साथ, पूछिए उमेश। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। सर, कॉटन सीड में अभी सेल साइड जो ऑल टाइम हाई है अभी, तो वहां से सेल का पोजीशन बनाया जा सकता है क्या? और जीरा में सर इतना रैली क्यों आ रहा है, इतना मंदी नेगेटिव? कॉटन सीड और जीरे का आउटलुक एक्चुअली आप जानना चाहते हैं। कॉटन सीड में पहला सवाल तो हिमांशु इनका ये है कि जिस लेवल पे अभी कॉटन सीड की एक ट्रेड कर रहा है अपने उच्चतम स्तर के स्तर पर, तो क्या ये लेवल शॉर्ट के लिए ठीक है या अभी और तेजी बाकी है? देखिए, अभी किसी तरह की यहाँ पर वीकनेस के सिग्नल्स तो नहीं है और मुझे लगता है कि इमीडिएट शॉर्ट टर्म में ये 3450 तक जाने का दमखम कमोडिटी रखती है, तो फिलहाल अभी शॉर्ट से बचना चाहिए। 3250 रुपए का लेवल क्लोजली वॉच करें, अगर क्लोजिंग बेसिस पर कमोडिटी उसके नीचे बंद होती है तो यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है, नहीं तो 3450 तक के लेवल्स का वेट करें, वहां पर शायद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। और दूसरा जीरे पर इनका सवाल था, तो जीरे में हालांकि एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग हायर लेवल से लगभग 18,000 के लेवल से एक गिरावट देखने को मिली है, यहाँ पर मॉनसून का जिस तरह से प्रोग्रेस हुआ है वहाँ पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 17,200 एक क्रूशल लेवल रहेगा, हम वॉच करेंगे क्लोजली, कल वीकली क्लोजिंग बेसिस पर अगर कमोडिटी इसको होल्ड करता है तो वापस से यहाँ पर एक रिकवरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि ओवरऑल स्पॉट डिमांड और एक्सपोर्ट डिमांड दोनों ही स्ट्रांग है। ठीक है, गिरा है आपके लिए जीरे पर और कॉटन सीड केक पर। ओके, राजेश हैं इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं बरेली से, पूछिए राजेश। राजेश जी, आपको आवाज आ रही है? जी, पूछिए। मैं जिनके सर ये जिनके बारे में पूछना चाहता हूँ, ये 200 रुपए तक बनेगी या कब तक बनेगी? 200 रुपए तक जिंक का भाव दिख रहा है क्या आपको? जिंक के प्राइसेस हाल फिलहाल अभी फिलहाल वीकनेस के अंदर ट्रेडरी में ट्रेड कर रहे हैं, बेस मेटल्स ओवरऑल देखे तो सभी सेल ऑफ में हैं। नहीं, सब तो सेल ऑफ में है और दबाव में तो दिख ही रहा है, और स्पेशली सवाल ये कि 200 तक जाएगा? नहीं नहीं नहीं, फिलहाल तो कोई डेवलपमेंट ऐसे नहीं देख रहे हैं कि जहां पे 200 तक के लेवल्स टच करने की उम्मीद हो, फिलहाल तो ऐसे टच होने की उम्मीद। जैसे कि इन्वेंट्रीज जो है वो काफी हद तक एक डेवलप हो चुकी है, यहाँ पे जमा हो रही है इन्वेंट्रीज जो है, वो जो आंकड़े आ रहे हैं वो काफी हद तक स्टोरेज में ज्यादा हैं, तो यहाँ पे प्राइसेस जो है वो काफी लग रहे हैं कि बेरिश टोन में ही रहने चाहिए। नीचे मैं एक बात करूंगा, 185 के लेवल फिर से टच करने की ट्राई कर सकता है जिंक के प्राइसेस जो है वो, 195 के ऊपर फिलहाल नहीं दिख रहा है कि जिंक के प्राइसेस होल्ड करें या उधर तक टच भी करें फिलहाल। ठीक है, तो 200 तक भाव नहीं जाएगा ये जतिन कह रहे हैं कि 185 तक भाव आ सकता है, 200 जाने की कोई संभावना नहीं है। अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। हिमांशु, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। निकल में शॉर्ट इनिशिएट किया जा सकता है 1005 के लेवल्स पे, 1015 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 980 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। आपकी रैपिड फायर कॉल। सिल्वर के अंदर हम देख रहे हैं कि एक शॉर्ट पुल बैक हो सकता है, लेकिन वो 550 के लेवल्स क्रॉस करता है उसके बाद ही, तो एक बाय अबाउट लेवल रहेगा 40,550 के ऊपर बाय कीजिए, 40,800 के लेवल्स दिख सकते हैं शाम के इवनिंग सेशंस में। आपकी आखिरी कॉल हिमांशु जी। आज के सेशन के लिए मुझे लगता है क्रूड ऑयल में एक रिकवरी देखने को मिल सकती है, 3,960 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की सलाह रहेगी, 4,060 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आप हिमांशु जी आपका और जतिन आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश आप देखिए, क्योंकि जो नया मोटर व्हीकल एक्ट यहां पर आया है इसमें क्या कुछ कहा गया है
सड़कों पर अब मनमानी महंगी पड़ेगी। ये हमारी खास पेशकश है ब्रेक के बाद।